सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। सो, आज हम जो बात करेंगे आपसे वो है BMW 5 सीरीज F10 के लिए। सो, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको सामने ही दिखा रहा हूं इसका। ये इसकी एक बहुत ही कॉमन और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है F10 की, जो AC वेंट ग्रिल है, ये अक्सर टूट जाती है। ये आप कंपनी की कमी कह लीजिए या फिर कुछ कस्टमर जो यूज करते हैं वो रफ यूज करते हैं। खैर, कस्टमर तो खैर अपनी गाड़ी वो रफ यूज करेगा नहीं। सो, ओवरऑल हम इस मुद्दे पे ना जाते हुए हम सीधा सीधा बात करेंगे कि ये रिप्लेस किस तरह से की जाती है। तो आइए, चलिए हम दिखाते हैं आपको कि ये जो है इनको रिप्लेस करने का प्रोसेस क्या है। इसमें जो वेंट है ये तीन चार तरह से आते हैं। एक ये वाला पार्ट आता है, एंड सेकंड ये वाला पार्ट आता है, थर्ड जो है देख रहे हैं आप वो है, एंड फोर्थ जो है फाइनल एंड लास्ट ये रियर वेंट आता है। सो, हमने पहले से ही ऑर्डर करके इम्पोर्टेड पार्ट्स जो है हमने मंगवा लिए हैं। कुछ इस तरह से आते हैं। ये देखिए, अब हम इसको लगाने का प्रोसेस शुरू करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कि ये जो है वेंट किस तरह से फिट किए जाते हैं। इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। आपके पास एक प्रॉपर टूल होने चाहिए, एक प्रॉपर नॉलेज होने चाहिए, तो आप खुद भी इसे कर सकते हैं या किसी अच्छे टेक्नीशियन से आप इसे फिट करवा सकते हैं, राइट? तो अब हम चलते हैं इसको फिट करने के प्रोसेस की तरफ। ये किस तरह से किया जाता है, आइए चलिए। सो गाइस, एज यू सीन, इसको रिमूव करने के लिए इस पार्ट को कुछ इस तरह से टूल चाहिए। कुछ ये चार टूल्स यूज करेंगे आज हम, और इस पार्ट को जो है सबसे पहले रिमूव करेंगे इस पार्ट को। तो मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से इसे रिमूव किया जाता है, आइए चलिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसको हमने रिमूव करना है कुछ इस तरह से, बहुत केयरफुली इसे रिमूव करना है हम लोगों को, बहुत ही आराम से, ताकि ये डैमेज ना हो, क्योंकि ये काफी सॉफ्ट पार्ट है, ये आराम से इसके निकाला जाता है। ये देखिए कुछ इस तरह से ये बाहर आ रहा है। सो, जैसा कि आप देख रहे हैं ये बाहर आ चुका है। अब इसके कुछ कपलर कुछ क्लैंप है जो कि हम आराम से इसको डिस्कनेक्ट करेंगे, आइए देखते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो ये निकालने के बाद अब ये पार्ट हम स्टेप बाय स्टेप रिमूव करेंगे। जैसा कि ये देख रहे हैं, ये एक रिमूव कर लिया, एंड सेकंड ये वाला, बहुत ही आराम से रिमूव हो जाएगा। ये देखिए, अब हम इस जो क्लैंप आपको नजर आ रहे हैं, अब ये कपलर जो है वायरिंग कपलर है, हम इसे बारी बारी करके रिमूव करेंगे। चलिए रिमूव करते हैं। एक, दो और ये तीन। ये तीन, ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं ये पार्ट बाहर आ चुका है। अब इसके पीछे जो है इसमें कुछ स्क्रू लगे हुए हैं और कुछ इस तरह से है ये। अब हम इसे खोलेंगे, इसे ओपन करेंगे और पीछे जो वेंट है वो हम रिप्लेस करेंगे। उसके लिए हम लोगों को चाहिए T20 स्टार बिट, राइट? तो अब हम इसे कुछ इस तरह से, इसमें जो है एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात और आठ, ये आठ स्क्रू हैं। आठ स्क्रू को हम लूज कर लेते हैं। तो फाइनली ये आठ स्क्रू जो है ये लूज हो गए, हमने निकाल लिए हैं। ये देखिए, ये पार्ट इसका कुछ इस तरह से बाहर आ गया है। ठीक है, इसको हटाएं।
सो ओवरऑल इसको रिमूव करने के बाद अब ये सिंपल है, ये देखिए ये कुछ इस तरह से लॉक है, ये वाले इन लॉक को आराम से निकाल के और ये हमारा जो वेंट है जो हमने पार्ट चेंज करना है ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये हम आपको अब एक हाथ से इसमें करना मुश्किल है, मैं आपको इसको लूज करके मैं आपको फिर दिखाता हूँ। सो ये फाइनली हमने निकाल लिया है, कुछ इस तरह से पार्ट आया है, ये देखिए जैसा कि मैंने आपको नया पार्ट दिखाया था, तो ये है हमारा पुराना टूटा हुआ पार्ट, इट्स एन ओल्ड पार्ट। तो अब जो है, अब ये दो जो हैजेट एंड डोर लॉक का स्विचेस है ये हमें इसमें से निकालना पड़ेगा, ये भी सिंपल तरीके से इसको निकाल के और इसमें हम नया पार्ट फिट कर देंगे। राइट, तो नया पार्ट जो है वो फिट करके मैं आपको दिखाता हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये इन दो बटन को स्विचेस को निकालने के लिए हमें ये इसके दो क्लैंप जो हैं, ये इसके जो लॉक हैं ये हमें इनको प्रेस करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। कीजिए एक सिंपल जो स्क्रू ड्राइवर की मदद से, जिसे हम पिन पेचकस भी बोलते हैं, और इसको सिंपल से तरीके से दबा के और ये बाहर आ जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से ये बाहर आ गया, इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। और अब हम इसे नए पार्ट में फिट करेंगे। ये देखिए ये कुछ इस तरह से आएगा। अगर आप इसे उल्टा फिट करने की कोशिश करेंगे जैसा कि मैं कर रहा था, ये होगा नहीं फिट। ठीक है, तो अब हमें इसे बिल्कुल सीधा फिट करना है और ये सिंपल, और ये फिट हो गया। तो ये देखिए ये बड़े आराम से फिट हो गया। ठीक है, अब बाकी का जो काम है हमें इसको इस पार्ट में फिट करने का है। तो इस पार्ट में ये जो क्लैंप आप देख रहे हैं ये अपने आप जब आप इसमें लगाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली इसमें फिट होते चले जाएंगे, लॉक जो है वो लॉकिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको पकड़ लेगा। अच्छा, और इसे लगाते हुए एक बात का आपने खास ध्यान रखना है, ये आप देख रहे हैं ये लॉक है इसका, राइट। तो ये लॉक जो है ये इस पार्ट में, ये देख रहे हैं इस पार्ट में फिट होना चाहिए इसका, ये वाला लॉक। ठीक है, तो दोनों तरफ से फिट हो गए, इजीली इसको फिट हो जाएगा, मैं आपको फिट करके दिखाता हूँ। सो फाइनली हम लोगों का ये जो पार्ट है ये रेडी हो चुका है इंस्टॉल करने के लिए, पर उससे पहले अब हमें जो बाकी के वेंट है वो भी हम लोगों को निकालने हैं, रिमूव करने हैं ताकि उसको रिप्लेस कर सके। ये कुछ इस तरह ये वाला है एंड सेकेंड ये वाला है। तो सबसे पहले इसकी बात करें तो ये तो ईजिली निकल जाएगा, ईजिली कैसे, ये दो स्क्रू हैं, देखिए ये खोलेंगे तो ये बाहर आ जाएगा जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए खोलिए इसको, ठीक है। अब हम लोगों ने इसको आराम से इसको अपनी तरफ खींचना है, तो ये लूज होने के बाद बड़े आराम से निकल गया है। ये देखिए ये कुछ इस तरह से। अब इसका भी सेम कुछ इसी तरह का प्रोसेस है, मैं आपको जो इसका नया पार्ट दिखाता हूँ, नए पार्ट को हम मैच करेंगे पुराने पार्ट से। ये देखिए इसका जो ये पार्ट है बेसिकली, ये देखिए ये इसके जो ग्रिल्स हैं ये तो टूटे हुए हैं, इसका ये पार्ट भी टूटा हुआ, तो ये पार्ट अभी हमें अवेलेबल नहीं हुआ है, तो इस पार्ट को हम पुराना ही यूज करेंगे और बाद में जब नया हमने ऑर्डर दिया है आ जाएगा तो फिट करेंगे। ठीक है, सो इस पार्ट को हम रिप्लेस करते हैं, आइए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका जो चेंज करने का प्रोसीजर है वो भी कुछ इसी तरह से है, इसके लॉक कुछ डिफरेंट है, ये देखिए कुछ ये इस तरह के लॉक है। हम इसको स्टेप बाय स्टेप इसको बारी बारी करके बारी बारी से इनको जो है हम दबा के इसको निकाल लेंगे। चलो बेटा निकालो इसे, इजी जो है प्रोसेस है इसका, कितने आसान
कितनी आसानी से ये बाहर आ जाता है। ये देखिए बड़े आराम से बिना किसी मेहनत के, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे उस्ताद जी मेहनत कर रहे हैं और ये बाहर आ गया। ये देखिए अब हम इसमें लगाते हैं नया पार्ट। तो नए पार्ट के लॉक भी ठीक है और पार्ट तो खैर एज यूजुअल नया है, तो अब हम इसे फिट करते हैं। आइए, तो इस पार्ट का भी प्रोसेस कुछ इसी तरह रहेगा। ये देखिए ये वाला जो लॉक है ये इसमें आराम से हम इसको फंसाएंगे, फंसाने के बाद इसको पुश कर देंगे अंदर की तरफ ताकि लॉक जो है इसके, जो ये लॉक है ये वाले, ये इस खांचे में बैठ जाए। ये देखिए एक दो और तीन, और ऊपर भी तीन खांचे हैं। आप बिठाएंगे आराम से, बिठाइए। सो गाइस ये पार्ट भी हमने फिट कर लिया है। ये देखिए ये अच्छी तरह से कम्प्लीटली फिट हो चुका है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, ये जो ये वाला पार्ट है वर्किंग में तो है बट ये थोड़ा सा खराब है देखने में, तो ये हमने ऑर्डर किया है, जब हम आ जाएगा तो इसको रिप्लेस कर देंगे, तब तक हम इसे फिट कर देते हैं। लीजिए फिट कीजिए। गाइस ये पार्ट हमारा फिट हो चुका है। अब हम चलते हैं हमारे ड्राइवर साइड की तरफ, तो इस ग्रिल की तरफ। तो अब हम इसको खोलने के लिए सबसे पहले तो ये रिमूव करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं मेरे वीडियोस में, मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूं कि जो प्रॉपर टूल हैं उन्हीं को यूज किया जा सके, और टूल्स यूज करने का ये फायदा होता है कि कोई भी फिजिकल डैमेज नहीं होता है। एक प्रॉपर टूल यूज अगर हम कर रहे हैं तो जो हमारे जो लॉस के चांसेस रहते हैं वो 0% रहते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये सिंपल एक तरीके से आप, हमने इसको लूज किया है, ये देखिए ये बाहर आ गया राइट। अब इसका सिंगल कपलर है, सिंगल कपलर ये वाला है वायरिंग का, ये निकालेंगे, निकालो। ये कपलर जो है हम इसको इसको इस तरह से प्रेस करके कुछ और ये निकाल दिया राइट। तो ये स्विच हमने निकाल लिया है। अब इसका भी सेम प्रोसेस रहेगा, ये दो स्क्रू हैं, दो स्क्रू खोल के हम इसे बाहर निकाल लेंगे। दिखाइए दो स्क्रू हमने खोल लिए हैं, इसको हम साइड पे कहीं सेफ रख देते हैं। ये देखिए ये आराम से हाथ से खींचने से ये बाहर आ जाता है। ये देखिए ये कुछ इस तरह से बाहर आ गया राइट। ये देखिए ये टूटा हुआ था इसका पार्ट, अब हम इसे रिप्लेस कर रहे हैं। तो इसका भी कुछ प्रोसेस, ये जो लॉक है ये देखिए ये टूटे हुए लॉक, इसको हम प्रेस करके और बारी बारी से इसको भी बाहर निकाल लेंगे। तो हम इसे बाहर निकालते हैं। सो ये हमने नया पार्ट फिट कर लिया है, ये लॉक कम्प्लीटली हमने अच्छी तरह से इसको फिटिंग कर दी है। ये रहा इसका पुराना पार्ट, ये कुछ इस तरह से टूटा हुआ निकला था। अब हम इसको इसी तरह से इसमें आराम से फिट कर देंगे। ये देखिए बहुत इजीली इसको फिट कर दिया। अब इसके जो दो स्क्रू हैं उसको हम फिट करेंगे।
इसको इतना ही टाइट करना है जितना इसकी जरूरत है। प्लास्टिक है, ओवर टाइट करेंगे तो ये पार्ट इसके क्रैक होने का चांस रहता है। ठीक है, सो ये देखिए ये पूरी तरह से काम कर रहा है, फर्स्ट क्लास वर्किंग में है। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, पुराना पार्ट ये है इसका। अब नाउ टाइम टू रिफिट ऑल पार्ट लाइक दिस वन। ये कुछ इस तरह से इसको सिंपल फिट होगी। और ये जो लॉक है, ये आप देख रहे हैं लॉक, ये इस तरह से कुछ इन होल में जाके प्रेस हो जाता है। ये देखिए ये कंप्लीटली फिट हो गया है। ठीक है, कुछ इस तरह से ही हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो चलिए आइए इसको फिट करते हैं। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कम्प्लीटली जो है वो फिट कर दिया है हमने। ये जितने भी स्क्रू थे, जो हमने 8 स्क्रू खोले थे, ये हमने पूरी तरह से फिट कर दिया है इसमें। ठीक है, अब टाइम है इसको रीइंस्टॉल करने का कार में। तो सबसे पहले तो ये जो कपलर है, हम कपलर को दोबारा से अच्छी तरह से इंस्पेक्शन करके लगाएंगे कि कपलर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, वायरिंग जो है हमारी ठीक है, ये कम्प्लीटली पूरी तरह से कपलर भी कोई डैमेज नहीं है, फिजिकल डैमेज नहीं है इसमें, और ये ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो हमारा ये सिस्टम है ये लगेगा, तो कपलर में मिसमैच नहीं हो सकता। कपलर जो कलर है वो कलर के हिसाब से कपलर लगेंगे इसमें। ये देखिए, आप इसे उल्टा भी फिट नहीं कर सकते। देखिए जैसे कि ये देखिए मैं दिखा रहा हूं आपको, अगर हम उल्टा फिट करने की कोशिश करेंगे तो ये मैच ही नहीं होगा आपस में, राइट। तो ये इसका कोई चांस नहीं है उल्टा फिट होने का, ये सीधा। ठीक है, और ये कपलर जो है ये इसका, ये देखिए ये नहीं होगा उल्टा फिट, राइट। तो इसको कुछ इस तरह से हम लोग एक हाथ से वीडियो बनाना काफी मुश्किल हो जाता है कई बार। तो ये कुछ इस तरह से आराम से, ये देखिए ये बाहर आ गया। सो ये कुछ इस तरह से फिट होगा इजीली। इसको कुछ ये फिट हो गया। अब हम करेंगे स्टार्ट स्टॉप वाले बटन का कपलर, थोड़ा सा इसको पास ले जाके और इजीली इसको कुछ ये हो गया। ये देखिए, अब हम सिंपल इसको इस तरह से कुछ फिट करके, ठीक है, और ये देखिए लगाओ बटन। सो ये फिटिंग जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको इसमें इंस्टॉल करेंगे। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, ये लॉक जो है कुछ इस तरह से यहाँ पर आएंगे। ये देखिए ये वो लॉक है, ये यहाँ पर बहुत इजीली फिट हो जाएगा। ये आराम से इसको हमने बड़ा केयरफुली पुश करना है हमने इसको, सिर्फ इसको एग्जैक्टली एक मिनट ये लगा के, और ये देखिए चलिए पूरी तरह से फिट हो चुका है। अब जो फ्रंट का प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है इसका, ग्रिल का। ये देखिए ये वर्किंग में है, राइट, ये भी वर्किंग में है। अब हम चलते हैं इसके बैक साइड पे, जो रियर वेंट है हमने रिप्लेस करना है। फ्रंट का जो प्रोसेस है हम पूरा कर चुके हैं। जो हमने पुश बटन का जो हमने कपला लगाया था वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। कार हमारी स्टार्ट हो गई है, पुश बटन भी ठीक तरह से काम कर रहा है। जो हमने कपलर डिस्कनेक्ट किया था वो कपलर को हमने कनेक्ट किया, बिल्कुल ठीक है कार हमारी। अब हम चलते हैं पीछे की तरफ। आइए, सो गाइस अब आ गए हैं हम इसके रियर वेंट की तरफ। तो ये भी कुछ इस तरह से ही आएगा बाहर। ये हम लोग इसको इस तरह से पुश करके और सिंपल तरीके से इसको खींच लेंगे। खींचने से ये जो लॉक है ये रिमूव कर देता है, आराम से निकल आते हैं बाहर। ठीक है, अब इसको खोलने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को ये जो 4 स्क्रू हैं, ये आप देख रहे हैं,
ये वाले ये निकालने पड़ेंगे, खोलने पड़ेंगे। आइए चलिए खोलते हैं पहले इसे। खोलो बेटा, ये कुछ इस तरह से इसके लॉक हैं, चार लॉक हैं। हम इसे बाहर निकालेंगे। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से लॉक हैं। इसको बाहर निकाल के ये देखिए, यहाँ से आ गया और ये दबाए, ये आ गया। ये देखिए, ये देखा आपने। अब स्क्रू हमने पहले ही इसके लूज कर लिए हैं। अब ये जो लॉक है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से ये लॉक है इसके, ये वाले। इसको दबा के अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे, इजीली बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से ये पार्ट आया, ये टूटा हुआ था। ये देखिए, अब इसको इस पर फिट करेंगे। आइए फिट करते हैं। तो ये हमने लॉक सारे बिठा दिए हैं इसमें और हमने नया पार्ट इसका फिट कर दिया है। ये देखिए, ये प्रॉपर वर्किंग में है, राइट। तो अब हम इसे इस पार्ट में फिट करेंगे। ये भी बहुत सिंपल तरीके से फिट हो जाएगा। इसको कुछ इस तरह से हमने लेके इसको प्रेस करना है और ये प्रेस करें। ये देखिए, ये सिंपल, ये फिट हो चुका है। अब हम इसको इसमें फिट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले इसको ये लाइटर की वायर लगा के, और जो सबसे मेन काम है इसके चार स्क्रू, ये हम पहले ही इसको फिट कर लेंगे। आइए फिट करते हैं। सो एज यू सीन, ये चारों स्क्रू जो है हमने फिट कर दिए हैं। ये देखिए प्रॉपर तरीके से लग गया है। अब हम इसमें फिट करेंगे लाइटर वायर। फिट हो गया। अब हम इसे इसमें पुश कर देंगे, अंदर की तरफ इसे पुश करेंगे। ये देखिए, तो पीछे का भी जो वेंट था, रियर वेंट था, वो कंप्लीट हो चुका है और प्रॉपर वर्किंग में आ गया है। टूटा हुआ था पार्ट, आपको टूटा हुआ पार्ट दिखाते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से टूटा हुआ पार्ट निकला था। So, ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फ्रॉम द पॉल द कार मैकेनिक।